हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए दो बेहतरीन वॉलपेपर एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, जिसे यूज करके आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है पिंटरेस्ट। ये आप सभी को प्ले स्टोर में आसानी से देखने को मिल जाता है। ये एप्लीकेशन भले ही पुरानी है, बट इसमें बहुत सारे वॉलपेपर्स लगातार अपडेट बाय अपडेट होते रहते हैं। ओपन करते ही आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है, एंड जो जो आप सभी को अलाउ के ऑप्शन यहां पर मांगे जाएंगे, आपने सबको अलाउ करते जाना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एंड उसके बाद यहां पर आपका होम पेज यहां पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहां पर बहुत सारे वॉलपेपर आप सभी को देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप स्क्रॉल करके और भी देख सकते हैं। यहां पर वॉलपेपर को सर्च करने के लिए नीचे वॉलपेपर सर्च का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जहां पर आप सर्च करके भी कोई भी वॉलपेपर को डाउनलोड कर पाओगे। कोई भी वॉलपेपर को डाउनलोड करने के लिए सिंपली उस वॉलपेपर पर आपने क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है, एंड बूम, आपकी फोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। सेकंड एप्लीकेशन जानने से पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा, हमको सिखा रहा है। सेकंड एप्लीकेशन का नाम है टर्नल लाइव वॉलपेपर, जो आप सभी को प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाता है। इसके नाम से ही आप सभी को पता लग गया होगा कि एक लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन है। तो इसे कैसे यूज करना है, तो चलिए मैं इसे बता देता हूँ। सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आप सभी को लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जिसे आप बड़ी आसानी से अपने स्क्रीन पर लगा सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप सभी को पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के आप सभी को बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने लाइव वॉलपेपर को सेट कर पाओगे। यहाँ पर नीचे आप सभी को शेप का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसे सिलेक्ट करके आप अलग अलग टाइप्स के लाइव वॉलपेपर को क्रिएट कर पाओगे। थर्ड फीचर यहाँ पर आप सभी को फोक कलर का देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई भी कलर को सिलेक्ट करते हैं और वो कलर आपके टर्नल के जो बीचों बीच वाले हिस्से में है, वहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। फोर्थ फीचर में आप सभी को दो तरह के सेटिंग देखने को मिल जाता है। पहला कि टर्नल की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंड दूसरा टर्नल को रिवर्स एंड फॉरवर्ड में कर सकते हैं। इस लाइव वॉलपेपर को अपने होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर सेट करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके एंड गो टू वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आप अपने वॉलपेपर को अपने होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर आसानी से सेट कर पाओगे। सो ये थे दो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन, जिनकी मदद से आप अलग अलग तरह के वॉलपेपर्स को डाउनलोड करके लगा पाओगे। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो, ये एप्लीकेशन पसंद आए हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। सो इसी तरह एप्लीकेशनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।